जैसे आपने कहा मैं यहाँ आई हूँ और मैंने मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे एक्चुअली मेरे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थे क्योंकि मैं कभी पहले ऐसे इवेंट में नहीं आई हूँ. सफ़ाया कॉलेज हमेशा फ़ैशन के लिए बहुत नोन है. इनका जो फ़ैशन प्रोग्राम है हमारे बहुत सारे बड़े बड़े फ़ैशन डिज़ाइनर्स यहाँ से निकले हैं. तो हाँ थोड़े से एक्सपेक्टेशंस थे मेरे ऑनेस्टली, लेकिन जब भी मैं आई और मैंने देखा कि ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आई वाज ब्लोन आउट ऑफ माय माइंड. आई डोंट नो हाउ बेटर टू से इट, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की जो क्रिएट वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने यू नो जो हम टिपिकल ट्रेडिशनल चीज़ें सोचते हैं वैसे नहीं सोचा है, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोची हैं. और मैंने सुना कि उन्होंने खुद बनाए हैं ये कपड़े जो बहुत ही मुश्किल है, तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी चैलेंज किया है. एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट द होल कलेक्शन. वाओ, मेरे बहुत यू नो ऑनेस्टली कोई एक नहीं था, क्योंकि हर कलेक्शन के पीछे ये डिज़ाइनर के सोच थे. एंड दैट वाज द स्पेशल पार्ट ऑफ द कलेक्शन फॉर मी, दैट एवरी डिज़ाइनर हैड अ वेरी क्लियर थॉट पॉइंट. मुझे कोअर्शन बहुत अच्छा लगा, डेफिनेटली उनकी जो सोच थी वो बहुत अच्छी लगी, बॉन्डेज की और वो सब. मुझे एनी मैनी बहुत अच्छा लगा. सो आई हैव टू से देयर वर जस्ट अमेजिंग अमेजिंग थॉट्स, अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स. एक्चुअली सोच रही थी कि ये मॉडल्स हैट्स ऑफ, कि ये सारे मॉडल्स जैसे चल रहे थे, क्योंकि हील्स में ये पेवमेंट पे चलना इजी नहीं है और इतने सारे कलेक्शंस बैक टू बैक डिस्प्ले करने के लिए, आई मीन यू हैव टू गिव इट टू द मॉडल्स. हर कलेक्शन के लिए उन्होंने एक डिफरेंट एटीट्यूड निकाला. तो जब भी मैंने रैम्प वॉक किया था, मैंने सिर्फ एक या दो कलेक्शंस के लिए रैम्प वॉक किया है. सो डेफिनेटली आई वाज हैट्स ऑफ टू द मॉडल्स. डेफिनेटली मैं कभी ये झलक की मेमोरीज भुला नहीं पाऊंगी. मुझे यू नो इस मंच ने बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है इस मंच पे, एंड आई जस्ट लव्ड इट. आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई डिड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू, एंड मैंने इतना सब कुछ सीखा. एंड जैसे मैंने वेदर इट्स अ रियलिटी शो, वेदर इट्स अ रैम्प वॉक, मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहती. एंड ये आई थिंक मेरी हमेशा ऐसी मेरी एटीट्यूड रहेगी और मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहती. वेदर इट्स बिग बॉस, वेदर इट्स झलक, वेदर इट्स अ फैशन शो, वेदर इट्स एंड माई NGO, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ. एंड आई थिंक हर इंसान सब कुछ कर सकता है. मैं मराठी मुलगी हूँ, मेरी मम्मी महाराष्ट्रन है. तो नहीं, चैलेंजिंग था डेफिनेटली, क्योंकि बहुत शुद्ध मराठी होती है, लेकिन मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ. तो आई लव.